एक गाना आप मगही में सुने होंगे, बाप दादा डरलो नहीं बेटो नहीं डरतोगे, और चाहे नवादा पटना केसवा लड़े पड़तोगे। ये गाना जो है मगही के एक गायक है जिनका नाम है रोशन रोही, उनका खूब वायरल हुआ था। आज के 2 महीना पहले उनका जो है किरण सिंह और रोशन रोही के साथ एक विवाद चल रहा था विवाह के लिए, लेकिन वो विवाह पर जो है विराम लग गया था। लेकिन एक बार फिर से उनका सोशल मीडिया पर कुछ फोटो वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम न्यूज चैनल पर उनका वीडियो भी चलाया जा रहा है। और इसमें दावा किया जा रहा है कि रोशन रोही जो है पटना के एक मंदिर में विवाह कर लिए। तो बिल्कुल सही है कि उन्होंने शादी जो है रोशन रोही से कर लिया, लेकिन सवाल जो बनता है कि जब उनको शादी करना ही था तो ये मगही में आकर के इतना कचड़ा करने की क्या आवश्यकता थी, इतना झोल झंझटी से क्या आवश्यकता थी। कुछ लोगों से हमने बात भी किया तो उनका कहना है कि यह सिर्फ पब्लिसिटी था जो है सुर्खियां बटोरने का और लोगों में नजर में बने रहने के लिए जो है रोशन रोही ऐसा कर रहे थे, क्योंकि जो है जिस तरह से उनका जो है वीडियो उधर खूब चला था 2 महीने तक, गर्दा गर्दा एकदम पूरा मगही में सिर्फ रोशन रोही और किरण सिंह थे। लेकिन देखिए उनका क्या है कि ये फिर से जो है शादी विवाह कर करके और अपने जो है इंजॉय कर रहे हैं, अपना जो है चैनल ग्रोथ कर रहे हैं, व्यूज खूब कमा रहे हैं। और अभी मगही में बता दूं कि इससे पहले जो था मगही में जो है रोशन रोही जो है बहुत कम बैठते थे, लेकिन अभी जब से वो उनका शादी का मामला जब गरमाया तो अभी गर्दा उड़ाए हुए हैं, पूरा होली का गाना बज रहा है मगही में जो है, तमाम उनका गाना जो है गर्दा गर्दा बज रहा है। देखिए गांव कुछ लोग यहां पर है, युवा लोग हम समझेंगे कि क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी था या फिर उनको मजबूरी हो गया शादी करने के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो है किरण सिंह भी खूब रील बना रही थी और बोल रहती थी कि बचमी नहीं रे छोड़ा, अब लग गेलो तोरा पर धारा 376। तो क्या 376 देखने वाली बात होगी। ये कारनामा किया है ये सिर्फ वायरल होने के लिए किया था या कारण कुछ और था। तमाम बातचीत आपको कैसा लगा, आप पेज पर देख रहे पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।